आर्ट और डिजाइन स्किल्स के साथ साथ अब हर वीडियो में आप सीखेंगे कि जीतने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट पहला कैरेक्टरिस्टिक है मेहनत। मेहनत जो है वो आपको हर दिन करनी है, उसके लिए आप चाहे 5 घंटे कीजिए, 8 घंटे कीजिए। आइए देखें किन लोगों ने मेहनत और परिश्रम से जिंदगी में सफलता पाई। क्या आप इस लड़के को जानते हैं? ये है स्टीव जॉब्स की बचपन की तस्वीर। स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर हैं। मैकबुक, आईफोन और आईपैड उनकी कंपनी के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। क्या आपको पता है वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे? उनको अपनी डिग्री से ज़्यादा कंप्यूटर्स में दिलचस्पी थी। उन्होंने कैलीग्राफी की भी क्लासेस लगाई और जब उन्होंने अपनी कंपनी के कंप्यूटर्स बनाए तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से पहले अपने मैकिंटोश कंप्यूटर्स में कुछ प्रकार के सेरिफ और सॉन्स सेरिफ फॉन्ट्स प्रयोग करने के लिए दिए। उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी कंपनी को सफलता के मुकाम पर पहुँचा। एक बुक आउटलायर ने सफल लोगों में एक समानता देखी गई कि सबने रोज 8 से 10 घंटे कड़ा परिश्रम किया और लगातार 10 साल तक करने के बाद वो अपनी सफलता की पहली मंजिल पर पहुंचे। जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन आप मेहनत करते जाएं। मेहनत करने वालों को भगवान भी पूरा साथ देता है। जब स्टीव जॉब्स को उनकी अपनी ही कंपनी से निकाला गया उनके लिए ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा धक्का था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एनिमेशन स्टूडियो पिक्सार शुरू किया जो आज दुनिया का सबसे सफल और बेहतरीन एनिमेशन फिल्म्स बनाता है। इसी दौरान एप्पल कंपनी के मुनाफे कम हुए और स्टीव जॉब्स को दोबारा कंपनी का चेयरपर्सन नियुक्त किया। आज स्टीव जॉब्स हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी मेहनत के साथ साथ लक्ष्य को हासिल करना हमारे लिए एक प्रेरणा है। और मेहनत के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कीजिए। अगर आपको म्यूजिक का इंटरेस्ट है आप जरूर म्यूजिक सुनिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए और योगा या एक्सरसाइज कीजिए, बहुत जरूरी है। मैंने खुद अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करके एक फिटनेस अचीव की है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आगे से आगे कुछ कुछ चीजें जो आपको आपकी परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए हेल्प करेंगी आपको सिखाता जाऊं। दिलचस्प चीजें सीखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।